आपको फटाफट इसका एक रिव्यू दे देती हूँ। यह है मटन सीख कबाब, यह है तिरंगा कबाब, इस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये सैवरन कलर है, वाइट कलर है, ग्रीन कलर है। तो ये चिकन तिरंगा कबाब है, और यहाँ पे ये आई थिंक कुछ तो चीज़ पॉकेट समथिंग काइंड ऑफ है, ये चिकन का ही। और ये है पालक पनीर कबाब, और तो ये सारी चीज़ें मैंने पार्सल ली थी सहरी के लिए। तो यहाँ पे दो पराठे हैं, तो अभी मैं सहरी करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे बताया था कि मैंने कैम्प से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पार्सल ली है मैं सहरी के लिए यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैंने गरम करके यहाँ पे सर्व किया है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे पुदीना, प्याज, नींबू ये सब भी मिला था। तो यहाँ पे मैं अपना सहरी ख़त्म करती हूँ, और ये जो था पूरा का पूरा चिकन का ही था। जो आपको ग्रीन स्टफिंग दिखा है वो भी चिकन खीमा था, ऊपर का जो वाइट कलर का लेयरिंग है वो भी चिकन ही था। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टे क्लासी एनएस। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो सुबह से मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, अभी बज चुके 5:45। तो अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है यहाँ पर। और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ शूट ही नहीं किया है। सैरी करने के बाद मैं सो गई, उसके बाद मेरे थोड़े बहुत काम चल रहे थे और उसके बाद मैं सो गई। और अभी जस्ट मैं उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ, और अभी आपको मैं बारिश दिखाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, एक सेकेंड। जैसे कि आप देख रहे हो बारिश का आवाज़ आपको आ रहा होगा, बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही है यहाँ पे। क्लाइमेट सडन चेंज हुआ है, अभी तक तो पूरा धूप था और अभी सडन इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी है। बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आती होगी तो डेफिनेटली, अगर कैप्चर हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कितना बारिश हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। आपको दिख रहा है कि बारिश पीछे हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं मेरी आवाज़ वहाँ तक आ रही है नहीं आ रही, आई डोंट नो, बट बहुत ही मस्त लग रहा है। बारिश देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ अभी, आई थिंक मैं शाम में बाहर जाऊँगी, तो जो भी है इफ्तार करने के बाद मैं बाहर जाऊँगी। बाहर जाने के बाद हम लोग कुछ खाएँगे वहाँ पर, एक नया प्लेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज। मिलवाया तो ज़रूर था, बट उनको छोटे छोटे बेबीज आ रहे हैं तो उनको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। तो जस्ट सेकंड, यहाँ पे देख रहे हो ये है मेरा स्नेक प्लांट, और मतलब यहाँ पे उसको एक बेबी स्नेक प्लांट आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं इतनी खुश हूँ उसको देख के, और एक इसके पीछे और एक वहाँ पर आ रहा है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि इसको स्नेक प्लांट को ये वापस से उसको अभी पत्ते आ रहे, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने हो गए मैंने ये पत्ते को इसमें ये किया था, मिट्टी में लगाया था। तो ये छोटा प्लांट आने के लिए ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए, 3.5 महीने के बाद ये ऊपर आ चुका है। अभी यहाँ पे मैंने लगा के रखा है बट अभी तक इसको कुछ भी आया नहीं है। यहाँ पे मेरा ये जो है, मैंने ये भी जैसे कि आप देख रहे हो कि ये भी पत्ते लगाए थे, पत्तों के बाद ही उनको यहाँ पर ये ग्रो कर चुका है। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक मेरा स्नेक प्लांट है, ठीक है, थोड़ा सा ये, ठीक है, ये जो मेरा स्नेक प्लांट है, सबसे पहला स्नेक प्लांट यही था, इसको ही मैंने जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे इसको कट लगाया है, ये वाला कट किया है। तो ये जो मैंने कट किए हैं पत्ते, यही कट कट करके मैंने इसमें लगाया था, इसमें लगाया था, और ये वाला इसमें भी लगाया था। तो अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसको भी अच्छा सा, अभी यहाँ पे भी प्लांट्स उग रहे हैं, यहाँ पे भी एक अच्छा सा आ चुका है। मैं इतनी खुश हूँ मेरे प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखते हुए, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ये कुंडा चला गया है, तो इसको मैं थोड़ी दिन के बाद, मतलब एक मेरा और एक काम है तो वो ख़त्म होने के बाद मैं इसको शिफ्ट करूँ किसी और कुंडे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पीस लिली का प्लांट, जैसे कि आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट ये आके चला जा चुका है इसका फूल, और इसको भी बहुत अच्छे से नए पत्ते आ चुके हैं।
और यहाँ पे है ये रोज़ का, रोज़ को भी अच्छा सा यहाँ पे नए पत्ते ग्रो कर रहे हैं। ये मेरा स्नेक प्लांट, सॉरी ये मनी प्लांट, ये एरिका पाम। ये बहुत ही ज़्यादा डस्ट होता है यहाँ पे, बिकॉज बाहर की हवा पूरा अंदर ही आता है, जितना भी डस्ट है वो इन प्लांट्स पे ही बैठ जाता है। तो जैसे कि मैं और आपको मेरे प्लांट्स दिखाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स पसंद है। तो जितने भी ये प्लांट्स हैं ये सारे इंडोर प्लांट ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इनको धूप देने के लिए बाहर रखती हूँ। अंदर रखने से कैसे ना इनके पत्ते बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा 2 दिन बाहर रखती हूँ, फिर 4 दिन अंदर रखती हूँ, ऐसा काम करती हूँ मैं। ये जो है मनी प्लांट, ये एरिका पाम है सॉरी, तो ये एरिका पाम भी अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। थोड़ा सा मिट्टी हमने इस पर निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे है ये मनी प्लांट, मनी प्लांट के पत्ते भी आप देख सकते हो कितने अच्छे फ्रेश लग रहे हैं। यहाँ पे है जेड प्लांट, ठीक है। तो ये जेड प्लांट को मैंने 3 इसमें लगा दिया है, बहुत ही अच्छे से आ चुका है जेड प्लांट भी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने जेड प्लांट को लगा दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है ये भी। और बाकी तो ये तुलसी है और एक अंदर एरिका पाम है, तो उसको मैंने बाहर नहीं निकाला है, तो वो अंदर ही है। और बाकी ये सारे प्लांट्स मैं बाहर रखती हूँ, थोड़े दिन के बाद मैं उसको अंदर लूँगी या फिर कहीं और चले जाएंगे, ये इंशाल्लाह देखते कैसे होता है। तो लेट्स सी, यही था मेरा अपडेट। आज सुबह से मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ व्लॉग शूट करने का, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा था, मैं फ्रेश लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। बारिश भी इतनी हो रही है यहाँ पे कि अब जैसे देख रहे हो कि अभी भी बारिश चल ही रहा है पीछे साइड में, अभी भी बारिश बहुत है यहाँ पर। और सडन क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब अभी तक धूप था बहुत ज़्यादा, मतलब कड़क धूप थी, और सडन धूप की जगह पे बारिश हो रही, बादल गरज के बारिश हो रही है यहाँ पे। आपको बारिश पसंद है या नहीं डेफिनेटली मुझे बताना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ बस बारिश देखना मुझे पसंद है, भीगना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो आपको किस टाइप की बारिश पसंद है मुझे डेफिनेटली बताना, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बारिश में भीगना पसंद होता है, और मैं ऐसी टाइप की बंदी हूँ कि मुझे बारिश देखना पसंद है, भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और कई सारे ऐसे होते हैं कि जिनको मिट्टी की स्मेल पसंद होती है, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पेट्रोल का स्मेल पसंद होता है। तो आप किस टाइप के हो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता देना, ओके। चलो तो थोड़ा मैं अपना बारिश इन्जॉय करती हूँ, धीमी धीमी से जो हवा आ रही है मैं उसको भी इन्जॉय करती हूँ। और लेट्स सी, तो मैं थोड़ा सा इन्जॉय करती हूँ अपना मी टाइम, फिर उसके बाद मैं आपसे। हेलो गाइस, सभी आप देख सकते हो कि वेदर कितना अच्छा हो चुका है, ऑरेंज ऑरेंज सा वेदर हो चुका है और बारिश पूरी की पूरी रुक चुकी है। वाओ, इट्स रियली ऑसम। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आसमान इतना ऑरेंजस लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज थोड़ा सा लग रहा है, बट ऐसे आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे बिल्डिंग पे भी देख रहे हो कि ऑरेंज सा इफेक्ट, मतलब येलो सा इफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे दिखेगा आपको, बहुत इफेक्ट्स लग रहा होगा यहाँ पे, येलो लाइट जैसा आपको ब्राइटनेस लग रहा होगा फ़ोन में, तो वो नेचुरल इफेक्ट है। मैंने कुछ भी यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट नहीं किया है, वैसे भी मैं बहुत सारा नेचुरल लाइट में ही शूट करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट हो चुका है, और मैंने ऑलरेडी इफ्तारी कर ली है। मैंने इफ्तार में कुछ खाया नहीं है, बस पानी और खजूर लिया था मैंने अभी, बिकॉज हम अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो जब तक ज़्यादा भूख नहीं लगता तब तक हम निकलेंगे नहीं, बिकॉज बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब तक अच्छी खासी भूख नहीं लगती तब तक नहीं जाना चाहिए, पैसा वसूल नहीं होता वहाँ पे। जोक की बात, तो मतलब लेट ही जाएंगे, 1-8 बजे तक हम निकलेंगे। यहाँ पास ही में एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो हम लोग वही एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वो लिटिल पंजाब करके है, तो आई थिंक हम वही जाएंगे। तो वहाँ पे जो है आई थिंक चूर नान समथिंग, वो वाला थाली हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज, देखते कैसा उसका टेस्ट है। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी, अगर नहीं तो देख लेते क्या है क्या नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो लेट्स सी।
एंड अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हम निकल रहे हैं बाहर। और इफ्तारी तो मेरा ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने कुछ खाया नहीं इफ्तारी में, बिकॉज थोड़ा सा पानी पिया है और एक खजूर खाया है। तो अभी हम निकल रहे हैं, आई थिंक हमारा प्लान कुछ चेंजेस हो सकता है, लेट्स सी। हम लोग वो लिटिल पंजाब जाते हैं या फिर कहीं और विजिट करते हैं, ये आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा, मुझे खुद को पता नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। वैसे मैं आपको अपडेट करूँगी। और हेलो गाइस, तो अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ, अभी मैं पार्किंग एरिया में हूँ और अभी हम निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए। सो लेट्स सी कहाँ जाते हैं हम, वो मैं आपसे अपडेट करूँगी। अभी क्लाइमेट बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है, बहुत जाम है यहाँ पे, और मैं आपको व्यू भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने यही टॉप पहना, नीचे जीन्स पहना है मैंने, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का, और मैंने साथ ही स्वेटर भी पहन लिया है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी होता है ठंडे माहौल से। ये लिटिल पंजाब जो है वो मानिक बाग से थोड़ा आप अंदर आओगे ना, तो वहाँ पे ही है सिंहगढ़ रोड पे, आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई दे सकते हो। और इसका स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट होता है 130 से लेके 350-400 तक इनका प्लेटिंग है वहाँ पे। और हमने जो ट्राई किया था वो है बटर चिकन पंजाबी थाली, उसका प्राइसिंग था 360। क्या क्या है आपको यहाँ पे? वेज नॉन वेज दोनों टाइप के आपको यहाँ पे फूड मिलेंगे, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इनका। हमारी पंजाबी चिकन थाली आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बटर चिकन, ये सूखा चिकन है, यहाँ पे सलाद, यहाँ पे बिरयानी राइस, एक पापड़ मिला है, और यहाँ पे है नान, बटर नान है, और ये लस्सी मिली है। तो हियर इज आवर डिनर। क्लास। अरे बटर पूरा नीचे है इधर। इसको तो पंजाबी खाना बोलते हैं ना। यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत खाना हो चुका है, अभी हमने ऑलरेडी एक बटर गार्लिक नान ऑर्डर किया है, वो भी आएगा। खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग है, ये तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो फाइनली हमारा खाना हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार खाना था, डेफिनेटली आप इसको विजिट कर सकते हो, बहुत ही यम खाना था, बहुत ही ऑथेंटिक टाइप पंजाबी ऑथेंटिक खाना है मिलता है यहाँ पे, डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्राई दे सकते हो। सो अभी हम हमारा डिनर करके हैं गार्डन में आके बैठ चुके हैं हमारी सोसाइटी के, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बैठेंगे, एक दो राउंड मारेंगे, फिर ऊपर जाएंगे हम, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऊपर जाके। सो गाइज, खा के आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा हेवी हुआ था डिनर, इसीलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। अभी रात के 11 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड नहीं किया है तो मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ यहाँ पे। सो आई होप ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अलग अलग वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू लाइक माई वीडियो। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मेरे ब्लॉग को शेयर करना, अगर आपको ये यूज़फुल लग रहे हो तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना। तो चलो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।